बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जीरो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। जीरो के बाद शाहरुख अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू करने जा रहे हैं। इसी बीच फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता फरहान अख्तर ने डॉन 3 को लेकर बड़ा बयान दिया है। फरहान ने फिल्म गली बॉय के ट्रेलर रिलीज के दौरान कहा कि हम डॉन 3 पर काम कर रहे हैं, जल्दी इसको लेकर बड़ी अनाउंसमेंट की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बीते दिनों भी ये खबर आई थी कि शाहरुख डॉन सीरीज की अगली फिल्म पर काम शुरू करने जा रहे हैं। एक्सेल एंटरटेनमेंट का अगला प्रोजेक्ट डॉन 3 ही होगा। शाहरुख को फिल्म का आइडिया भी सुना दिया गया है, उन्हें ये पसंद भी आया है। माना जा रहा है कि फिल्म 2020 में रिलीज कर दी जाएगी। डॉन 3 की कहानी पहली दो फिल्मों से एकदम अलग होगी। इस फिल्म में शाहरुख के अपोजिट कौन सी हीरोइन नजर आएगी, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार किया गया है। डॉन सीरीज की सभी फिल्में हिट रही हैं और अब एक बार फिर डॉन का एक्शन देखने के लिए फैंस बेताब हैं। शाहरुख इस वक्त राकेश शर्मा की बायोपिक को लेकर व्यस्त हैं। इस फिल्म का नाम सारे जहां से अच्छा है। फिल्म के लिए शाहरुख खान अपना वजन भी कम कर रहे हैं। इस फिल्म में किंग खान 21 साल के राकेश से लेकर 35 साल तक के राकेश का लुक बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।